हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को हमारे सादर प्रणाम। तो हमने हमारे मुख्य श्रोता का ये आग्रह था कि आज हमारे वैष्णव पंजिका में श्री गदाधर जी के, गदाधर पंडित के आविर्भाव तिथि, जो सख्यात श्री राधारानी के अवतार है, पंचतत्व में है, गौरांग महाप्रभु के उनके पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं, गदाई गौरांग। तो उनके बारे में कुछ चर्चा करना आज उनके तिथि में ये अवश्य ही हमारे सौभाग्य है। तो उन भक्तों ने कृपा करके हमको ये सुयोग दे रहे हैं। तो ऐसे गदाधर पंडित के बारे में वैष्णव भजन में कई भजन है, लेकिन आप लोग उसको ना बोल सकते हैं ना फॉलो भी कर सकते हैं। तो लेकिन एक भजन है जो आप अवश्य फॉलो कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ उसको गाएं, समय भी साथ है। हमारे जो गौर आरती है, संध्या आरती, इसमें गदाधर पंडित का नाम आता है, तो उसी को गा लेते हैं। यद्यपि मैं अच्छे गायक नहीं हूँ, हमारे मयंक प्रभु अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा, वो बोलते हैं मैं तो रिकॉर्डिंग होने से मैं गाता, ऐसे नहीं फालतू गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और क्या है, क्योंकि कलाकार है ना मरुड़ी सिंगर। तो हम सादाकार है, सादा सीधा गा लेते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। किवा जयो जयो गौरा चंदेर आरती को शोभा जाह्नवी तट बने जग मन लोभा किवा दखीणनी ताई चान बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्र धर वावशी अछे गौरा चंद रत्न सिंहासने आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गणे वानर हरि आदि करी चामर दुलाय संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय वा शंख बाजे घंटा बाजे बाजे कर ताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल इवा बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जल गला देशे वन माला करे झल मल शिव सुख नारद प्रेमे गद गोद प्रेमे गद गोद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद
कोती बिनो दो देखे गौरार संपद किवा दखिनेनी ताई चान बामे गदाधर निकटीय द्वैत श्रीनी वास छत्र धर ए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि प्रमानंद श्री श्री गौर गदाधर की जय हो। तो जैसे आपने सुने ये भगवान गौरांग महाप्रभु की आरती में गौरांग महाप्रभु के लेफ्ट साइड में श्री गदाधर बैठते हैं, दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर। तो इस प्रकार उनके साथ में गदाधर रहते हैं, महाप्रभु के साथ में। ऐसे गदाधर पंडित उच्च कुल के मिश्र ब्राह्मण परिवार के पुत्र हैं। उनके पिताजी का नाम था श्री माधव मिश्र, माता जी का नाम है रत्नावती देवी। उन्होंने भी सिलहट से गंगा तट पर वास करने के लिए नवदीप में आकर के और सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर के पास में उनके घर बनाए थे। शिवास पंडित सची माता उनके घर के पास ही उनके भी घर था गदाधर पंडित के। आप लोग जो मायापुर गए होंगे आप देखेंगे शिवास पंडित के भवन के पास में गदाधर पंडित का भी घर है, तो वहीं रुकते थे गदाधर पंडित। ऐसे आई में बस 2 साल भी नहीं, 1 साल समथिंग छोटे हैं महाप्रभु से, कि 2 साल के आसपास छोटे हैं, लेकिन क्लासमेट हैं, एक साथ में पढ़ते थे। शिशु अवस्था से ही निमाई का गदाधर के साथ मित्रता है, क्योंकि घर के पास ही है, लगभग 1-2 साल के अंतर के 7 के लड़के हैं, दोनों एक साथ हैं, बाल्य में लीला खेला किए हैं। तो कभी कभी गदाधर के आंगन में, कभी कभी सची के आंगन में, दोनों निताई और निमाई और गदाधर वो दोनों खेलते थे। तो धीरे धीरे बड़े हुए तो पढ़ने में भी स्कूल में जो एक साथ में पाठशाला में गए तो एक ही साथ में पढ़ते थे। गदाधर का स्वभाव बचपन से ही बड़े वीतस्पृह, बड़े एकांत प्रेमी और मधुरभाषी, बड़े संयमी, किससे झगड़ा ना करना और बिल्कुल अनासक्त थे, किससे उनका मतलब नहीं था, सुना नहीं था।
और बचपन से ही कृष्णमति था, कृष्ण में उनके मति था बचपन से ही। लेकिन निमाई शिशु लीला में बड़े उदंड थे, वो बिल्कुल उनके विपरीत थे। गदाधर बड़े शांत स्वभाव के थे। वो माधव मिश्र, जगन्नाथ मिश्र दोनों एक ही गोत्र के हैं, एक ही थे, तो उनसे मित्रता खूब था, पिताजी में मित्र था, पुत्र दोनों मित्र था। तो लेकिन स्कूल में पाठशाला में पढ़ते समय भी न्याय आदि व्याकरण जब पढ़ते थे, निमाई के स्वभाव था सभी के साथ आर्गुमेंट करना, युक्ति करना, हराना या करना। गदाधर भी अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनका मन में इस प्रकार के युक्ति तर्क भावना नहीं होता था। तो निमा को देखने से उन्होंने दूर चले जाते, बोले ये पकड़ेगा, युक्ति करेगा, लेकिन वो पकड़ते गदाधर कहाँ जाएगा, वो छोड़ते नहीं थे। बचपन से ही गदाधर के साथ श्री निमाई के इतने संबंध था निकटतम, कभी उनको छोड़ते नहीं थे। गदाधर भी अंतर से तो बहुत चाहते थे, लेकिन उनके स्वभाव देख करके उन मन नहीं लगता था, बोले इसे क्यों युक्ति तर्क का कटु स्वभाव है, ये अगर कितने अच्छा होता, अगर वो शांत होता, अगर कृष्ण भजन करता, मैं तो कि क्षण के लिए उनको ना छोड़ता, ऐसे गदाधर का। तो निमाई सच तुझे देखने से मैं इधर मुंह घोट के चला जाता, मुझे बड़ा दुख होता, अगर तू अच्छे कृष्ण भक्त होता तो मैं और कुछ नहीं चाहता जीवन में, हमेशा आपके संग रहता, आपको क्षण भर में नहीं छोड़ता। तो निमाई कहते गदाधर ठीक है, अभी मैं नहीं ना भक्ता, देखना समय आएगा मैं ऐसे भक्त बनूंगा, आप क्या ब्रह्मा शिव तक आएंगे भक्त देखने के लिए, देखना ना। ठीक है भक्त करेगा तो मैं तो आपके साथ हमेशा रहूँगा। ऐसे बचपन में अपना बातचीत करते थे। धीरे धीरे निमाई की फिर बड़े होते हैं, विवाह आदि होता है, फिर अंत में उनके पिताजी के गुजरने के बाद में उन्हें जब गया जाते हैं, गया में जाते जा करके पितृ साधक के लिए जाते हैं, उससे पहले श्री ईश्वरपुरी एक बार नवदीप आए थे, गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके, और गदाधर पंडित को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके ईश्वरपुरी महाशय खूब प्रसन्न हुए, उनको बुलाए, बुला करके अपने पास बैठा करके खूब उनको शिक्षा देते थे, संग देते थे। उनको जो अपने रचित कृष्णलीलामृत, स्वरचित कृष्णलीलामृत ग्रंथ है, उसको पाठ कराते, पढ़ाते थे, जो ईश्वरपुरी आगे चल करके महाप्रभु के गुरु बनेंगे। वो गदाधर पंडित के पास में रख करके खूब प्रेम से उनको अपने स्वरचित कृष्णलीलामृत ग्रंथ पाठ करा रहे थे। तो अंत में जब गया में ईश्वरपुरी के साथ मिलन हुआ, भगवान ने उनके आश्रय लीला किए, ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किए, इनका लीला था। लेकिन उसके बाद में महाप्रभु का बहुत बड़े अंतर हुआ उनके आचरण में, उन्होंने और उदंडता नहीं, बिल्कुल भक्तिभाव, इतने कृष्ण विरह का भाव आया कि सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगे। तो ऐसे परिवर्तन जब वापस आए घर में, सभी लोग बोले क्या होगा निमाई तो कृष्ण कृष्ण होता है, कोई स्टूडेंट उनके साथ जाए, कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी पूछे, बात करे, कृष्ण कृष्ण करते थे सब लोग। बात गदाधर को सुनाया पड़ा, क्या निमाई का ऐसे हुआ सही में ना, हाँ ऐसे। वो जो श्री राम पंडित अगर आके बोले तो गदाधर सुबह फूल तोड़ने गए थे, बोले आज देखना काल हमको बुलाए, काल जब नए नए आए थे, पहले दिन भेंट हुआ, दूसरे दिन कहाँ ना शुक्रांबर के घर में, आज बातचीत करेंगे वहीं भेंट होगा। तो गदाधर फटाफट फूल तोड़ करके अपने घर पर जा करके शुक्रांबर के घर में चला गया, जाकर उनके घर में जा करके घर के अंदर छिप करके बैठा। तो महाप्रभु और बाकी जो उनके कुछ भक्तगण जिनको काल बोले थे कि आप आओ शुक्रांबर के घर में, हम आज कृष्ण कथा करेंगे, तो गदाधर पहले से जाकर बैठे थे सुन करके, जैसे सुने छिप कर बैठे थे उन घर के अंदर। तो वहाँ महाप्रभु जा करके सभी जो संगीगण थे उनके साथ बैठ करके कृष्ण कथा आलोचना किए।
इतने प्रेम से महाप्रभु कृष्ण लीला वर्णन करने लगे और कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण वर्णन करते हुए महाप्रभु रोते थे। तो महाप्रभु का ऐसे भक्ति भाव कृष्ण प्रेम को देख करके गदाधर को सहन नहीं हुआ, वो अंदर से ही गदगद हो गए। महाप्रभु कृष्ण लीला कह कर रुक गए, रुक करके फिर बात हो गई ठीक है आज इतना ही का, लेकिन अंदर से रोने का आवाज आ रहा है। पूछे कौन अंदर रो रहा है इतने आवाज करके पूरी है ना रोना, कौन रो रहा है? बोले देखो बोल तू शुक्रामर अंदर गए थे, बोले और कोई नहीं है तुम्हारे गदाधर है। बोले गदाधर यहाँ गदाधर है? तो महाप्रभु अंदर से लगे थे गदाधर मुंह नीचे करके खूब रो रहे हैं, क्योंकि निमाई का ऐसे परिवर्तन उनके आशा से बाहर था। सच में इतने भक्तिभाव आ गया, ऐसे कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रेम है ऐसा देख करके उन बढ़ना गदाधर तो बहुत रो रहे हैं। तो सभी के सामने निमाई पंडित गदाधर को देख पकड़ कर हाथ पकड़ बोलेगे मेरे प्रिय गदाधर आप कितने सौभाग्यवान है, जन्म काल से शिशु अवस्था से आपका सुदृढ़ कृष्ण मति, कृष्ण में कितनी दृढ़ मति है, कभी टस से मस नहीं हुआ। संसार में आपका तो मन है ही नहीं, किसी चीज में आसक्त नहीं, किसी भोग में किसी चीज के प्रति नहीं, केवल कृष्ण प्रति आसक्ति तेरा जैसा है। मेरा ऐसे सौभाग्य कहाँ, मैं अगर ऐसा होता, लेकिन आपके कृपा से आपके संग से अब मेरा भी कृष्ण के प्रति मन लग रहा है गदाधर, ये केवल आपके संग के प्रभाव है। अभी मुझे समझ में आ रहा है तुम कितने अच्छे हो कि बचपन से कृष्ण के प्रति तुम्हारा इतना आसक्ति है। मेरा तो बेकार समय चला गया, मेरा जवानी ऐसे गुजर गया ऐसे उदंडता में, अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि कृष्ण के प्रति एक एक क्षण व्यतीत करना चाहिए कृष्ण चिंतन में, कृष्ण कथा में। मेरा तो समय बीत गया गदाधर, मैं क्या कहूँ, आप लोग के संग अभी मुझे याद आता है। ऐसे कह करके गदाधर को आलिंगन किए, आप कितने सौभाग्यवान हैं, और दोनों दोनों फिर रोने लगे कृष्ण प्रेम से रोने लगे। तो इस प्रकार तो उसके बाद में गदाधर तो बताए थे, उसके बाद में गदाधर और बिल्कुल गौर से अलग नहीं होते थे। गदाईर गौर, गदाईर प्राणधन, गदाईर गौरांग कहते हैं गौर गदाधर। तो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके सेवा करते थे उनके पास। एक समय सची आंगन में, सची माँ के घर में जब निमाए थे तो भोजन के बाद तांबुल लेकर के आए, तांबुल समझते ना, पान लेकर आए देने के लिए। तो देख करके निमाए के याद आया कृष्ण, वो पूछते थे गदाधर क्या मतलब बता सकता है कहाँ जाने से मुझे नील वसन नीलम नील कमल सदृश पीताम्बर धारी कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कृष्ण, मैं क्या करूँ, कैसे कृष्ण को पाऊँ? ऐसे विकल होकर पूछे गदाधर कुछ तो मुझे बताओ, मैं क्या करूँ, कृष्ण को कैसे प्राप्त करूँ? गदाधर बोले कृष्ण तो सब जगह में, सब जगह मुझे बताओ तो सही, मैं परेशान हो रहा हूँ। बोले कृष्ण है, बोले कहाँ है, इधर कहाँ है? बोले सबके हृदय में है, तेरे हृदय में। अच्छा तो मुझे पहले क्यों नहीं बताता, मेरे हृदय में है कृष्ण, हाँ हृदय के अंदर कृष्ण है। तो तुरंत नाखून से फाड़ने लगे, छाती ब्लड निकलने लगा। अरे सची माता और बाकी लोग ये क्या करेगा, सुसाइड कर डालेगा लगता है, तो इसी कर रहा है आप लोग, आवेश में आकर अपने छाती फाड़ रहे। बाला गदाधर तुरंत उन्हें हाथ पकड़ा, अरे नहीं 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 माए ऐसे मत करो, इसमें तो नारे तू मुझे बोला कि हृदय के अंदर कृष्ण, मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण, तो ऐसे अधरों से कृष्ण चले गया, आप मिलेंगे थोड़ी अब आ रहे, तो ऐसे न फिर क्या करूँ, शांत होकर बैठो, कृष्ण ऐसे उदंडता से नहीं आते। तो ऐसे कह करके हाथ को पकड़ करके चाप धर कर समझा, समझ के शांत करा दिए, शांत करा दिए थे। तो सची माता देख रहे थे रो करके, बोले रे मैं तो सामने नहीं आ सकता था, होता छाती फाड़ डाला था, आज तो अपने को मर डालता था, अगर आज गदाधर ना होता
उसको कौन बचा पाता, कौन शांता करता। सची माता दौड़ कर आके गदाधर के हाथ पकड़ के रो रो कर बोली, मेरे गदाई, मैं सच कहता हूँ गदाधर, मैं राण नियम करके बताता हूँ गदाधर, एक सेकंड के लिए मेरा निमायक छोड़ कर मत जाना। वो क्या करता है, कब क्या कर गया पता नहीं, तू ही उसको संभाल सकता है, तेरा ही बात मानता है, तू ही उसको केवल उसको रक्षा कर सकता है, संभाल सकता है, तेरे अंदर क्षमता है। गदाए तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कभी एक क्षण के लिए उसको छोड़ कर मत जाना, उनका संभालना बड़ा गंभीर व्यापार है, कब क्या करता है कोई भरोसा नहीं, तो उनको साथ रखना। सची माता ने प्रार्थना करके गदाधर को, और गौरांग महाप्रभु चाहते थे कि मैं हमेशा गदाधर, मतलब हाँ माता, अगर गदाई मेरे साथ रहेगा तो फिर मेरा कोई उन्नता नहीं होगा, वो जानता है मुझे कैसे कंट्रोल करना है, ही इज माई केयर टेकर, ही इज माई कंट्रोलर, वो तो मुझे कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे गदाधर भी निमाई को कभी नहीं छोड़ते थे, निमाई एक क्षण के लिए गदाधर को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे कहावत है, आप जानते हैं गौर लीला में, गौर गण देशिका में कहा गया है कि गौरांग महाप्रभु तो साक्षात जुगल स्वरूप है, राधा कृष्ण के मिलित तनु है, मिलित विग्रह है, साक्षात कृष्ण है, बाहर में गोरे अंदर में काले, यही तो मेरा महाप्रभु है, अंदर में काले कृष्ण है, बाहर में राधा रानी के शरीर के कांति गोरे हैं। तो लेकिन जब राधा बाप को लेकर के गौरांग महाप्रभु आए उनके आस्वादन करने के लिए, तो फिर राधा रानी फिर क्यों आए, फिर किसे, गदाधर तो राधा रानी का अवतार माना जाता है, मैंने हाँ साक्षात वृष भानुनंदिनी है राधा रानी, बोले वो कैसे, तो उसके अलग अलग प्रकार के मतामत प्राप्त होता है। एक बार ऐसे कथा है कि श्री राधा रानी कृष्ण को देखे, कृष्ण इतने विकल होकर रो रहे थे, देख करके कृष्ण और मैं सखी गण के साथ दौड़ करके गए, जाकर कृष्ण को देख के कृष्ण को आलिंगन किए, बोले ना बहुत हो गया कृष्ण, बस आज मैं आग से एकाकार हो जाना चाहता हूँ, कोई मैं अलग से रहूँगा मेरा अस्तित्व, ताकि मुझे ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं, ना मैं आपके साथ मिल जाना चाहता हूँ। ऐसे जब ऐसे करके आलिंगन किए और उनके साथ समा जाना चाहती थी, तो सखीगण बोले हे सखी, हे राधे, ऐसा करोगी तो आपको सेवा का अधिकार चला जाएगा। तो सेवक, ना मैं प्रभु मेरे कृष्ण को तो सेवा अवश्य करूँगी, ना सेवा कैसे करोगे, उन्होंने चले जाएंगे तो, अरे नहीं 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 नहीं, तो बच गए, जितना बच गया था इतना बच गई, जितना आलिंगन जितना मिलना चाहती थी कुछ मिल गई थी, आधा समा रही थी, इतने में सखी इसे कहे करके, तो जो आज जितना नहीं मिली थी आधा बच गए, जितने बच गए ये रह गए गदाधर के में, जो मिल गए तो गौरांग महाप्रभु में हो गए, गोरे हो गए, शरीर की कांति उनके मूड उसमें चला गया, बाकी सारे आप लेकर राधा रानी गदाधर हो गए। तो गदाधर हो गए, लेकिन वो तो राधा रानी थी, वो तो स्त्री थी, वो कैसे हो गए। तो बोलते हैं कि राधा रानी, आप जानते ना राधा रानी के वरदान मिला था, वो कृष्ण के लिए खाना पकाते थे, सभी उनको बोलते थे, यहाँ तक कि माँ जसोमती भी, सभी उनको सभी जानते ब्रज में बोलते थे, वो जो राधा रानी जो खाना पकाएगी वो अमृत हस्ता, उस अमृत हो जाएगी, जो उसको खाएंगी, जो उसको खाएंगे तो उनका अमृत आजार अमर हो जाएंगे, शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, बदने को जी सब गुण है, ये जान करके सभी तो कृष्ण को चाहते थे ब्रजवासी, सब छोटे से बड़े, तो बोलते थे बेटी तुम खाना पकाओगे, हमारे कृष्ण नंदन नंदन अगर पाएंगे तो हमेशा रहेंगे, निरोग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो इसलिए वो आती थी डेली, यहाँ तक कि अपने सासू घर से भी जावट से भी प्रतिदिन नंद भवन आती थी, नंद भवन के नीचे वो पावन सरोवर के किनारे राधा रोसाई है, राधा रानी ही नीचे केकिंग कुचिंग करती थी, उनके सखी आते तो फिर वो ऊपर जाती थी, भोग लगता था, कृष्ण खाते थे तो थोड़ा बसता था, फिर वो वापस आता था, कृष्ण राधा रानी प्रसाद पाकर फिर वापस आते, दिल्ली ही करते थे, कुछ आइटम बनाने जाते थे लेकर के। तो एक समय राधा रानी, लेकिन भेंट नहीं हो पाता था, बड़े स्ट्रिक्ट थे कुटिला वगैरह भी, सब बड़े स्ट्रिक्ट कटकणा में चलते, बस सभी चाहते हैं ठीक है खाना बना कर आ जाना कोई। तो
अनेक दिन से भेंट नहीं हो पा रही थी। राधा रानी विकल होकर के बोल खाना पकाते समय में चूल्हा में तब तो गैस चूल्हा था नहीं, कंडे गोबर के कंडे और लकड़ी से खाना बनाती थी, लेकिन खाना से ना बनाती थी हाथ में शरीर से, लेकिन मन तो कृष्ण में थी। वही सोचती थी इतने दिन से दर्शन ही नहीं हुआ, कभी बात ही नहीं हुआ, इसलिए बड़े दुख होती थी, रोती थी। बोले मैं उनके लिए काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, कभी देखी नहीं, पूछ भी नहीं सकी कैसे अच्छा लगता है खाना कि बुरा लगता है, कैसे लगता है कि पूछ भी नहीं सकता हूँ। हाय हाय क्या मेरा जीवन, ये क्यों मैंने स्त्री शरीर मिला मुझे, मैं अगर स्त्री ना होती तो अवश्य ही ये सुबल सिदाम की तरह मैं भी उनके साथ घूमता, मैं भी उनको पूछता, उनके साथ बैठकर खाता, उनके प्रसाद पाता, उनके संग करता, उन्हें कहता हाँ कितने सुख होता है। दिखे तुच्छ स्त्री शरीर कितने खराब है, मिल करके मेरे उनको मिल नहीं पड़ता हूँ, मेरे प्राणनाथ को यही शरीर तो बाधा देता है और क्या है। अगर मैं आज स्त्री ना होता, आज मैं लड़का होता, लड़की ना होता, तो फ्री कोई नहीं पूछता टोकता, ये जितने लड़के सभी उनका दिन रात सभी झंडा उनके साथ घूमते हैं। ये लड़की के शरीर बड़े हीन है, बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं छोड़ते नहीं, इतनी अटकना, इतने कटकना, इतने कड़ंगे, बड़े दुखी होकर के रो रही थी। इतने रोने लगी कि कुकिंग नहीं, पानी गिरती थी धारा, नीचे से आग ऊपर से पानी, धुआं हो जाती थी, कुकिंग ना हो पाती। वो बड़े देर तक बोले क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो कुकिंग नहीं हो पाया, अरे भूख लगने का टाइम है ना, वो क्या करने, और बोल नहीं पाती थी भाव, बोलते थोड़ा पसीना निकल रहा है, पैर निकले इसलिए भी इसे हो रहा है, आज आग नहीं जल रहा है, थोड़ा ऐसे गीला लकड़ी था इसे धुआं हो रहा है, इसे बोल रही, लेकिन वास्तविक गीला लकड़ी फकड़ी कुछ नहीं, अजस्र अश्रुपात होती इस भावना में कृष्ण विरह में। कृष्ण विरह में नहीं, मैं क्यों ये स्त्री लड़की के शरीर मिला मुझे, ये दुर्भाग्य क्यों, अगर लड़का का शरीर होता मैं कितने सुख से निर्बाध कृष्ण के संग कर पाता, इसी के कारण रो रही थी। तो मन में संकल्प की उस दिन, हे विधाता, हे प्रभु, अगर दोबारा मुझे फिर संसार में जन्म देगा तो कभी भी ये लड़की शरीर नहीं देना, ताकि मैं इसी प्रकार दुख पाऊँ। मैं तो कृष्ण की सेवा ठीक से कर नहीं पाता हूँ, मुझे देखने तो कैसे पूछूँ क्या करते, लड़का के शरीर मुझे मिले, पुरुष शरीर मिले, तो मैं कृष्ण के संग करके उनकी सेवा करूँ, उनके रिझाऊँ, उनके साथ में रहूँ, वही वरदान मांग रहे थे विधि से। तो जो राधा स्वयं से राधिका जी जो मन में इच्छा करेंगी, संकल्प करेंगी, तो झूठा होगी नहीं। तो इसी कारण से अगले लीला में श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को आसादन करने के लिए आए, और राधा रानी स्वयं पुरुष बन करके गदाधर के रूप में आए। आना इसीलिए पड़ा, ये भी कहते हैं कि जब राधा रानी के भाव और कांति लेकर महाप्रभु आए, फिर राधा बोले राधा रानी के भाव कांति लेकर तो महाप्रभु आए, लेकिन राधा रानी सोचती थी ठीक है कृष्ण मेरे भाव को आस्वादन करना चाहते हैं आ करके, लेकिन कैसे आस्वादन करके पक्के ठीक ठीक आस्वादन करते कि नहीं, मुझे थोड़ा देखना तो होगा ना जा करके, वेदर इज डूइंग ओके और नॉट, इज रिपीटिंग और नॉट, तो इसको चेक करने के लिए, उनके प्रेम आस्वाद को देख करके पक्का करने के लिए, हाँ इज आर लाइट देखने के लिए राधा रानी को आना पड़ा। तो गदाधर के रूप में आए सुवर्ण गुण छात्र। तो इस प्रकार के नाना कारण से मंदिर आते हैं, तो जिसमें जब राधिका के रूप में सब उनकी सास ननंद जो और ये लोग सब मना करते थे, जो अभिभावक गण बड़े बड़े लोग सब वो मना करते थे, नहीं 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 कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं आप, ये है वो बड़े आकट करते, बड़े सारे नियम करते, उनके साथ नहीं जा सकता, बात नहीं कर सकता, उनके पास नहीं। तो वही अभिभावक गण गौर लीला में अभी रिक्वेस्ट करते सती माँ, दादा गदाधर एक क्षण के लिए तू जाना नहीं, यहीं रहना, यहीं खाओ, यहीं सो जाओ, टेक केयर करो, ये है पुरुष भाव। जो तो मना करते नहीं जा नहीं सकता, वो बोलते तू यहाँ बोलते जा नहीं सकता यहीं रहो, तो वहाँ जा नहीं सकता ही रहो, यहाँ वहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ नहीं रहते यहाँ से जा नहीं सकता यहीं रहो, कभी भी कृष्ण को छोड़कर गौर को छोड़कर जा नहीं सकते, ये भाव है राधा रानी का। तो इसलिए गदाधर के रूप में आए। तो
तो इस प्रकार गदाधर हर लीला में, नवदीप लीला में उनके साथ रहा करते थे। जब भी संकीर्तन लीला और जो भी जितने भी महाप्रभु के गुह्य लीला, शिवासांगन की लीला, हर लीला में गदाधर तो साथ में है ही है। यहाँ तक कि संन्यास लेने से पहले जो पांच आदमी के लिए ये गुप्त मंत्रणा की, उसमें भी गदाधर थे। काटवा में भी गदाधर गए थे। संन्यास लेने के बाद में जो शांतिपुर में मिलन हुआ, तभी भी गदाधर थे। जब माँ के आदेश लेकर के महाप्रभु ने इशार किए, नहीं मैं संन्यास लेने के बाद यहाँ नहीं रहूँगा, वृंदावन जाने के लिए मना हुआ, मैं नीलाचल वास करूँगा, तो उनके साथ में भी जो आदमी लोग आए थे उनके साथ भी गदाधर भी आए। गदाधर तो हमेशा उनके साथ रहा करते। तो इस प्रकार गदाधर और गौरांग महाप्रभु का अभिन्न भाव है, बिल्कुल इतने निकट संपर्क है, संबंध है। जब उन्होंने पुरी में आकर रहने लगे, पुरी में रहने के बाद में उनको स्थान मिला सार्वभौम की कृपा से, श्री राधाकांत मठ काशी मिश्र भवन जो गंभीरा मठ है वहाँ रहने के लिए, तो भक्तों से तो महाप्रभु ने धीरे धीरे सारे भक्तों को बुला करके बोले कि देखो मैं तो यहाँ आकर रहना पड़ा, लेकिन श्रीपाद नित्या श्रीपाद हम लोग का उद्देश्य है प्रचार करना, अब मैं तो आकर यहाँ रहा, मैं क्या करूँ, तो आप जाओ वापस गोड़ में, आपको आना जरूरत नहीं। बाकी भक्तों ने सबको भेजे, बोले आप लोग साल में एक बार आओ नित्याय की, लेकिन आना जरूरत नहीं, उनको क्या जरूरत है, वो आप तो प्रचार में रहो, बता रहा, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं संन्यास लेकर यहाँ रहा। सब एक एक करके सब भेजने लगे। गदाधर नहीं सोचने लगे मैं क्या करूँ, सबको पकड़ पकड़ कर तो भेज दे रहे हैं प्रचार के लिए, मुझे अगर कहेंगे कि तुम भी जाओ प्रचार के लिए, मैं तो जाना पड़ेगा, मैं तो मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे ईश्वर, मेरे प्राणनाथ हैं, मैं उनका बात को तो टाल नहीं सकता, अवज्ञा तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन उनको छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ, उनको छोड़कर तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मेरे लिए असंभव हो जाएगा जीना, और उनके बात को अवज्ञा भी नहीं कर सकता, अब क्या करूँ, अगर मुझे बोल दें तब क्या होगा, ये चिंता करके वो नहीं जाते थे। महाप्रभु के पास ही नहीं जाना छोड़ दिए दो दिन तक, तो बोले क्या करूँ, अगर बोल देंगे, बड़े सोच कर डर के मारे महाप्रभु पास नहीं जाते थे, सेवा के लिए भी नहीं जाते थे। सोच सोच करके मन में आया, बोला हाँ ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करूँ क्या करूँ, एक उपाय मिला, क्षेत्र संन्यास। जो क्षेत्र में संन्यास लेते हैं, तो क्षेत्र संन्यास की विधि है कि क्षेत्र छोड़कर कोई नहीं जा सकते। बोले मैं महाप्रभु को बिना पूछे पंडित को बुलाकर क्षेत्र संन्यास ले लिए, संन्यास वेश दंड आदि धारण करके, फिर महाप्रभु जय प्रणाम, महाप्रभु बोले गदाधर आप क्या नाम है क्षेत्र, अरे क्षेत्र संन्यास ले लिया ना, पता है ना क्षेत्र, हाँ हाँ क्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकता। हंसने लगे महाप्रभु, बोले बहुत अच्छा, तो मतलब अब पूरी क्षेत्र छोड़ना ना, वो क्यों जाऊँगा, आप भी इधर ही मैं भी इधर ही रहूँगा, ओके बस। अब महाप्रभु से बोले भेज नहीं सकते, गदाधर भी बड़े प्रसन्न हो गए उनके साथ रहे। तो कुछ दिन के बाद महाप्रभु जो पुरी में रहते थे, प्रतिदिन वो जाते थे गदाधर को तोटा में रहने के लिए बोले, जो चटक पर्वत है वहाँ पर वो महादेव है ना, जमेश्वर, जमेश्वर तोटा, वहाँ पर उनको निवास करने के लिए बोले, तो वहीं जाते थे तोटा में प्रतिदिन, शाम के समय यहाँ भागवत कथा होता था, महाप्रभु एवरी डे भागवत पढ़ते थे, बड़े सुंदर कंठ से भागवत पाठ करते थे, महाप्रभु सुनते थे, वह अभी उनके पर उनके सारे परिक्रगण जहाँ बैठ कर भागवत सुनते थे गदाधर से। तो कभी कभी महाप्रभु का मन में भाव आता था, वो चले जाते थे गदाधर के साथ में, हाँ कृष्ण, हाँ गोपीनाथ, हाँ मेरे प्राणनाथ, ऐसे करके रो करके कभी मूर्छित होना, कभी गिरना पड़ना उठना करते थे।
तो एक दिन ऐसे ही इस तुटा क्षेत्र में जा करके ऐसे करते थे, तो गदाधर आकर बोले क्या करूं, वो तो इस प्रकार होते हैं, उनको कैसे संभालूं, ऐसे संभालते थे। तो महाप्रभु उठे, उठ के बोले गदाधर मैं एक बात कहूं, आप मानोगे? गदाधर बोले प्रभु मैं तो आपके लिए ही जीवन धारण किया हूँ, आपके लिए इधर छोड़ के मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ त्याग करके आपके पास रहने के लिए भी मैं क्षेत्र संन्यास लिया आपके लिए, आप फिर मैं नहीं करूँ, आप कहेंगे इसे कैसे आप ऐसा क्यों कहते हैं? ना नहीं, देखो गदाधर ये तो समुद्र को बोलते हैं तो साक्षात जमुना है, ये तो चटक पर दो साक्षात गोवर्धन है, ये देखो इतने सुंदर वनराज ही जमुना और गोवर्धन के पीछे वृंदावन जो अवश्य है वृंदावन, ये बटवृक्ष है तो वंशी बट है, तो जब ये सब है तो वंशी बट तटस्थित श्रीमान रास रसारंभी वंशी बट तटस्थित कर्षन वेणु सनेर गोपी गोपीनाथ, तो गोपीनाथ तो होंगे ही, यहाँ तो यही तो रासस्थली है वृंदावन, तो रास बिहारी गोपीनाथ है यहाँ अवश्य होंगे ही। ऐसे बोल करके भाव में आ गए, हाथ से बालू को उखाड़ने लगे, बालू कुरेदने लगे, ऐसे करने लगे हाँ गोपीनाथ हाँ गोपीनाथ करके, तो एक मयूर पूछ दिखाई पड़ने लगा, बोले अरे ये तो मयूर चंद्रिका है, तो गदाधर बोले हाँ सत्य तो ये बालू के अंदर मयूर चंद्रिका कैसे, दोनों मिल करके जब बालू उखाड़ने लगे तो मुकुट दिखाई पड़ने लगा, अरे मुकुट उसे, तब गोपीनाथ के मुंह से मुख दर्शन हुआ, अरे खोदने लगे तो साक्षात गोपीनाथ जो विग्रह है ना इतने बड़े विग्रह उनके साथ में राधा रानी ललिता आदि सब रास स्थली के रास विहार के जो रूप है, जो तन मनस का तद्भावा तद विचेष्टा दालपा, तो ये भाव में जो थे बिल्कुल कृष्ण मय होकर कृष्ण भाव में उनके भाव वर्ण रूप सब परिवर्तन हो किस भाव में, इस प्रकार से उनको प्राप्त किए रासस्थल के विग्रह विग्रह को। तो बोले गदाधर तो विग्रह मिला तो फिर उसको सेवा करना है आपको, इसमें बोला था आप बात मानोगे उनको टेक केयर को सेवा, अब गदाधर को फंसा दिए, पुजारी डिपार्टमेंट दे दिए, और कोई असिस्टेंट नहीं है आजकल हमारा पुजारी डिपार्टमेंट चलाने के लिए सबसे बड़ा चिंता, हर चीज़ में असिस्टेंट ढूंढते हैं, लेकिन महाप्रभु ने दिए गदाधर को पूजा करने के लिए नथिंग कुछ नहीं सिंगल 100 तीन डिटी है, गोपीनाथ इतने बड़े विग्रह है, राधारानी है ललिता है और वो अकेले है, फंड रेजिंग उनको करना पड़ेगा, पानी उनको लाना पड़ेगा, मार्केटिंग उनको करना पड़ेगा, कुकिंग उनको करना पड़ेगा, माला बनाना उनको है, कपड़ा सिलाना उनको है, वेश करना सब कुछ ऑल इन वन सबको अकेले करना है, दे दिया। गदाधर तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, इतने बिजी हो गए सब सेवा करे कैसे करे क्या करे करते थे। तो इस गदाधर इस प्रकार वही गदाधर जब नवद्वीप में थे, एक बार मुकुंद दत्त उनके बड़े प्रिय मित्र होते हैं, तो महाप्रभु एक बार हठात मेरे बाप रे मेरे धन ने वापर करके सुनने लगे, महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को याद करते थे अपने पिताजी कहकर, पुंडरीक विद्यानिधि चट्टी ग्राम निवासी है, साक्षात वृषभानु के अवतार हैं, बहुत बड़े पंचों में भक्त है। तो महाप्रभु जो इसे याद किए तो पुंडरीक विद्यानिधि का भी बड़ा आकर्षण हुआ, सोचे कि मैं भी नवद्वीप जाऊँ, तो उन्होंने आए, वो तो बहुत बड़े राजा थे, तो उनका वहाँ भी महल था, यहाँ भी उनके भवन था, नवद्वीप में उनका महल था, तो उन्होंने आए, लेकिन राज थाट बाट में रहते हैं, बड़े आवेश में राजपुत्र की तरह बड़े शाही खान पान और प्रतिष्ठा, दो चार युवती आलट शामर करते हैं, पान चुवाते हैं, हुक्का पीते हैं, ताम झानी थूक फेंकने के लिए चांदी का झाड़ी लगा हुआ है, ऐसे ही आसन व्यासासन बड़े सब बड़े रहीस राज थाट बाट में रहे, कोई वैष्णव का जो शब्द इसको चिन्ह कोई नहीं पहचान पाएगा देखने पाएगा, वो आए थे, लेकिन मुकुंद का घर भी चट्टीग्राम है,
मुकुंद वासुदेव, वसुदत्त मुकुंद दत्त, उन्होंने जानते उनको, तो समझ गए कि वो आए हैं करके। तो गदाधर को बोले, गदाधर आप हमसे भक्त दर्शन करना चाहते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ चलो, तुरंत राजी होकर चले चले चलते। सुबह उठ के तैयार हो गए तो मुकुंद ने गदाधर को लेकर के गए, लेकर के जहाँ इस महल में वहाँ प्रवेश कर दिया। आलीशान कोठी है, एक से एक कीमती कीमती सब सामान रखा हुआ है। और जहाँ ले गए, जहाँ गदाधर बैठे, पुंडरीक विद्यानिधि विराजमान थे। अरे सोने चांदी के आसन, पान के खा करके थूक फेंकने के लिए सोने चांदी की झाड़ी लगा हुआ था। अरे हुक्का लगा हुआ था, ऐसे परिकरगण सखे सखे सब सेवा में लगे हुए थे, ऐसे विशेष आडंबर। इस प्रकार के थाट बाट को देख करके, विलास व्यसन को देख करके गदाधर मन में सोचने लगे, क्या मुकुंद जी मुझे फंसा दिए। बोले कि भक्त दर्शन करने के, भक्त है ये तो बड़े विषयी व्यसनी है विलास। मन में थोड़ा उनको झटका लगा, कुछ बोल नहीं रहे थे, सुखी नहीं हो रहे थे। मुकुंद समझ गए, जैसे गदाधर गए, मुकुंद तो उनके मित्र थे, एक ही गांव के थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले, कौन है, कैसे आगे ना, ये गदाधर है, अच्छे ब्राह्मण घर के लड़का है, बचपन से बड़े महावैरागी अनासक्त है, कृष्ण में बड़े मति है, उनके भक्ति है वहाँ। वैसे उन्होंने कहा, बैठिए बैठे, वो बोल के सोच रहे थे, उनका मन में खेल रहा था, बड़ा टाइम ख़राब किया ही, तो इसी लूँ मिला दे आकर कोई भक्त देखने लगा। तो उनके मन के भाव समझ करके मुकुंद ने भागवत से एक पद गाए, ओहो बकीयंग स्तन काल कूटंग इंघास है। तो ये पद जैसे गाए, भगवान की कृपा के गुण को प्रकट करने वाला, जैसे पद गाए तो उसको सुन करके अब पुंडरीक विद्यानिधि इतने आवेश में आ गए, भक्ति के आवेश में, आपने आपको संभाल नहीं पाए। तुरंत मुकुंद और बताओ बत कैसे कह करके, तुरंत उनका अंदर सात्विक विकार प्रकट होने लगा, अश्रु कंप पुलक आदि हुआ, सब हाथ पार ऐसे जो पहने थे सब बत्ती झीनी कीमती मखमली ड्रेस, सब सिल्की ड्रेस पहने, सब फाड़ फोड़ कर फेंक दिए। ये तामजानी झाड़ी जो बड़े बड़े शीशा के सब फेंक फाँक करके, तोड़ ताड़ करके, मुँह से लार कंप, सब ऐसे खनपड़ करके रख दिए। सब बिल्कुल थर थर कंपते बैठे थे, उनको पकड़ना, अरे रुकाओ, कम्बा दयालु शरणंग ब्रजेम, कम्बा दयालु शरणंग ब्रजेम, ऐसे कह करके रो रो कर थर थर कांप रहे थे। गदाधर तो देख करके तटस्थ, बोले बाप रे बाप, ऐसे छिपे रुस्तम, ऐसे भाव छिपा हुआ था, ऊपर से तो महाविलासी व्यसनी राजा का भाव था, अंदर ऐसे प्रेम भरा हुआ था, ऐसे भक्ति भाव, अरे बाप रे बाप, महाभक्ति लक्षण है, तो महाभक्ति धर के लक्षण, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो बड़ा अपराध कर दिया, क्या करूं, मन में बड़े चिंतित करने लगे। तो मन में सोचने लगे, ये मेरे उनके चरण में बड़ा अपराध हो गया, इतने बड़े उच्च कोटि के वैष्णव का अपराध हो गया, मैं इसे पहचाना क्या करूं, उनके सेवा करने से अपराध मिटेगा, सेवा कैसे करूं, पहले जमाने में सेवा ऐसे नहीं कोई कर सकते, सेवा करने के लिए उनके अधीनस्थ होना पड़ेगा। तो बोले मैं उनका शिष्य बनूंगा, उनका सेवा करूँगा। तो मुकुंद को अपने मन की बात बताए, मुकुंद जा करके फिर पुंडरीक विद्यानिधि से बात की, ऐसे ऐसे गदाधर जी थोड़ा आपके प्रति भाव थोड़ा ऐसा था, लेकिन बाद में पता चला तो ऐसे चाहते हैं आपसे मंत्र लेकर के आपके सेवक बनना चाहते हैं। फिर पुंडरीक विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हुए, उनको स्वीकार किए, बोले ये तो निधि है, रत्न है, इतने सुंदर मंत्र, तो उनको स्वीकार करके तो उन मंत्र दान दिए, लिखित किए। तो ही क्योंकि साक्षात राधा रानी है, वो तो वृषभानु है, तो पिताजी तो होंगे ही, आपने बेटी तो अपने पास ही आएगा ही। वो महाप्रभु भी उनको बाप बाप बोलते थे, क्योंकि वो भी राधा बाप है, वृषभानु है, तो ऐसे। तो ऐसे गदाधर पंडित बड़े प्रसिद्ध द्विजवाणीनाथ उनके भाई है, जब उन्होंने संन्यास लेकर के आना चाहते थे नवद्वीप से, तो वाणीनाथ को बोले कि हम जा रहे हैं। वाणीनाथ रो रो कर बोले, आप चले, मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ, मैं तो नवद्वीप छोड़ करके चला जाऊँगा। तो बोले ठीक है, महाप्रभु बोले हम जाएंगे, तो
हम ऐसा करते हैं, दो विग्रह बना के देते हैं, उसको सेवा करो। तो भगवान ने अपने समय में कारपेंटर बुला करके नीम काष्ठ से अपना और गदाधर का गौर गदाधर विग्रह बना करके द्विजवाणीनाथ को दिए थे। तो चापाहटी में जो विग्रह पूजा पा रहे हैं, गौर गदाधर विग्रह तो उनकी सेवा करते हैं, उनको दिए थे महाप्रभु समय के। तो इस प्रकार उनसे पुंडरीक विद्यानिधि से लिखित होकर के आए थे। जब बाद में पुरी आ गए महाप्रभु के साथ में, पुरी आकर रहने लगे, तोटा में ऐसे भागवत पाठ करते, तो उनको सेवा अधिकार मिल गया। तोटा गोपीनाथ का ऐसे दिए यहाँ व्यस्त रहते थे। तो एक समय श्री नित्यानंद प्रभु सुने कि यहाँ महाप्रभु ने एक विग्रह प्रकट करवाए गोपीनाथ के, और गदाधर पंडित उनको सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु आए, बोले मुझे दर्शन करना है, लेकिन मुझे अड़र नहीं, मुझे तो ब्यान अड़र है, पूरी नहीं जाना है मुझे। बोले कोई बात नहीं, महाप्रभु के पास नहीं जाऊँगा, जगन्नाथ की थोड़ी जाना है मुझे, मैं तो जाऊँगा गदाधर के पास, गोपीनाथ दर्शन करके आऊँगा। अकेले चल पड़े, गए, जा करके पहुँचे। बोले मैं खाली हाथ में कैसे जाऊँगा गोपीनाथ दर्शन करने के लिए, पहली बार दर्शन करूँगा। तो कुछ चावल और एक कपड़ा कहीं से के लिए या कहीं से मंगाए, क्या के ऑनलाइन क्या कैसे पता नहीं, कैसे करके लेकर गए। अब जाके पहुँचे, दोपहर के समय हो गया था। उस दिन गदाधर पंडित अकेले थे, और जो गोपीनाथ को वस्त्र दे रहे थे वो बिल्कुल पुराना जीर्ण हो चुका था, नवतन वस्त्र पहन के था नहीं। कहीं से भी क्या करेंगे, वस्त्र लाएंगे करेंगे, और आज भोग लगाने के लिए भी कुछ था नहीं, भिक्षा करने जाएंगे जाएंगे फूल तोड़ कर स्नान करा रहे थे, चावल लगे कुछ भगवान को भोग लगाने के लिए भी नहीं था। इस समय में दरवाजा खटक, बोले कोई नहीं आते, कौन देखे कि नित्यानंद प्रभु, बोले ऐसी बात कैसे आए ना, मैंने सुना ऐसे आया, अरे इतने सुंदर विग्रह, हाँ तो देखो मैं ये लेकर आया हूँ गोपीनाथ के लिए, ये वस्त्र लाया, आज गोपीनाथ को वस्त्र परिधान कराओ, श्रृंगार कराओ, और ये चावल में लेकर आओ, भोग लगाओ। ओह बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत सोच रहा था, आज वस्त्र भी था नहीं और भोग के लिए भी नहीं था, बहुत अच्छा मैं करते हैं। नित्यानंद बोले देखो मुझे बड़े देर से मुझे भूख लग रहा है, खाने में जा रहा हूँ, समुद्र में स्नान करके आता हूँ, तो आपने जल्दी भोग राग लगाओ और प्रसाद खाना है। हाँ अवश्य आप जाकर मध्यान्ह करके आए, मैं करता हूँ तैयारी। तो गोपीनाथ जी को स्नान श्रृंगार कराए, वस्त्र परिधान कराए, बड़े सुंदर विफिटिंग ड्रेस हुआ, और नित्यानंद प्रभु जो चावल लाए थे उसको उन्होंने भात बनाए। बोले कि एक ही आइटम, आज इतने बड़े अतिथि हमारा घर में नित्यानंद प्रभु आए हैं, सख्यात बड़नाम, उनके लिए खाली एक ही आइटम कुछ तो वो होना चाहिए। तो सामने थोड़ा हरी पत्ता साग उठा लिए, तो एक आइटम साग बैलपन के साग बना दिए, और क्या इमली के पत्ता, अब ये कोमल पत्ता है ना कपोल, और थोड़ा नोच करके इमली के पत्ता ला करके इसको पीस करके चटनी बना दिए, थोड़ा मिर्ची पच्ची डाल करके, एक आइटम तीन आइटम हो गया, एक राइस और उसके साथ साग और इमली के पत्ते के चटनी, हरी चटनी, हरे राजभोग फिस्ट हो गया, और क्या। और पता लगा कर केले के पत्ता में भोग लगाए, खूब भरा कर नितान पुरुष स्नान करके आए, बोले बड़ा सुंदर फिस्ट, बैठे खाने के लिए। बोले देखो दरवाज़ा बंद कर दो, पसा लेंगे। बोले यहाँ कोई नहीं आता है, दरवाज़ा खुलने का दिन मरी कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। ना नहीं नहीं फिर भी तो दरवाज़ा बंद कर दिए, प्रसाद खाने के लिए से बैठे, परिवेषण किए महाप्रसाद गोविंद किए कि नहीं, दरवाज़ा खटखट हुआ, देखो कोई आया, अभी खुलना नहीं, अब मैं खाने के बाद पता नहीं, जोर से आवाज़ हुआ, गदाधर गदाधर दरवाज़ा खोलो, कौन है गदाधर को लगा तो कोई परिचित आवाज़ है, महाप्रभु ना क्या, गदाधर दरवाज़ा खोल नहीं तो तोड़ डालूँगा। आप देख खोल दिए तो महाप्रभु खड़े, अरे अनित्यांत रो खाना सूर्य जस्ट कर रहे थे, पहुँच गए। बोले ये कैसे गोपीनाथ है, बड़े सुंदर ना सिपा, अच्छा सिपादा है ना, ना वो कपड़ा लेकर आए हैं गोपीनाथ के श्रृंगार कर, इतने सुंदर विफिटिंग ड्रेस आज लगते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो बड़े भाई है ना, वो जानते हैं अपने छोटू का कौन सा साइज है,
क्या चीज़ उनको पसंद है, इसी प्रकार भी फिटिंग ड्रेस ला कर आए उनके लिए, तो उनको भी कौन सा खाने के पसंद है चावल, बासमती की क्या क्या लेकर आए हैं, क्या स्पेशल चावल। जब कुकिंग कर रहे थे गदाधर जी, महाप्रभु प्रसाद लेकर के विश्राम कर रहे थे गंभीरा में, 1.5 किलोमीटर तक बास जाता था तो सो नहीं पाए, महामह सुगंध के कारण उठकर आना पड़ा उनको। आकर बोले इतने मैं सो नहीं पाया, इतने सुंदर सुगंधी प्रसाद, बोले ये चावल लाए थे बनाया। बोले क्या साक्षात नित्यानंद प्रभु चावल लाएंगे, गदाधर उसको बनाएगा, गोपीनाथ को भोग लेगा, उससे मेरा भाग नहीं है इतने बड़े फीस्ट में, मैं तो बिना बुलाए खाऊंगा ही, मैं तो अनइन्वाइटेड गेस्ट। मतलब नित्यानंद प्रभु पत्र लेके घूमकर बैठते हैं, बोले देखो मेरे कम पड़ेगा, ये थोड़ा कम है, मैं ज़्यादा भूख लग रहा है, मेरा पेट भरेगा कि नहीं आप देखना, गदाधर संभालना, मेरे से निकाल सकते। महाप्रभु जाकर नित्यानंद प्रभु के सामने बैठ गए, बोले मैं तो इसी से खाना है, वो तो है नहीं ऐसा। तो दोनों का प्रेम कड़ाव होता है, बड़े छीना झपटा होकर के दोनों खाते हैं, ये बड़े सुंदर प्रेम कलह गदाधर जी के सामने गोपीनाथ मंदिर में, दोनों प्रभु के, दोनों भगवान के बड़े सुंदर भाव। तो एक समय गदाधर जी आकर के बोले महाप्रभु को पुरी में, बोले प्रभु मैं गायत्री मंत्र भूल जाता हूँ, कि आजकल जैसे गायत्री मंत्र तो सीट दे देते हैं प्रिंट आउट, तो भूल गए तो निकाल कर देख लिए, लेकिन तभी तो ऐसा कोई था नहीं पेन पेपर, कर्ण मंत्र को दक्षिण कर्ण में दे दिए, अब बोलते ध्यान में बोल दीजिए। बोले मैं कैसे दूँ, तो गुरु मंत्र है ना, आप तो सारे जगत गुरु हो, सारे गुरु होंगे आप ना, वो सो तो है लेकिन फिर भी आपके गुरु जी भी थे, गुरु देंगे। बोले गुरु यहाँ है ही नहीं, बोले आ जाएंगे। तो सचमुच पुण्य की विद्यानिधि आ गए दो एक दिन में, तो फिर उनको उनका एक ही शिष्य थे गदार पंडित, उनके यहाँ गए रहने के लिए, शिष्य के पास रहेंगे व्यवस्था के में रहे, तो उनको मंत्र भी दिए, अंतदान जो दिए। तो फिर उसी समय ठंडी के समय आने वाला था, तो एक पर्व था ओढ़ना षष्ठी, वो जाते थे ओढ़ना षष्ठी, महाप्रभु और उनके स्वर्ग दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि अगरा सब गए मंदिर में दर्शन किए। जब महाप्रभु के पहुड़ा दर्शन होता है जो बड़े श्रृंगार बेस लेट नाइट में होता है, तो उस तक रहे ओढ़ना षष्ठी दिन रहे देखे, तब उनमें कुछ सेवा में जो माढ़ वाला वस्त्र देते थे तो पुंडरीक विद्यानिधि को पसंद नहीं हुआ, तो उन्होंने कंप्लेंट की, बोले इसे किसे कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ जी तो गदा सर्वदान्द्र, बोले गदा जगन्नाथ जी तो परम ब्रह्म है, उनके लिए कौन सा छोटा फूटा ऐसे कुछ नहीं। बोले उनके लिए नहीं ठीक है, लेकिन उनके सेवक के लिए तो है, वो इसे कैसे करते हैं। तो बोले देखो ये इतना सारे तो आप महाप्रभु को बोलना ना, हाँ मैं कल बात करके राजा से बात करके उनको चेंज करूँगा, वो करूँगा, ये सब इधर गड़बड़ चल रहा है, ये सेवा कैसे ठीक नहीं है। तो रात को आके विश्राम किए, लेट में विश्राम किए थे, और रात में जगन्नाथ फलदेव आ गए, रात में उनके कमरा में घुस करके उनको धमकी दिए, बोले तुम्हें आकर के पहले दिन आया मेरे सेवक को, मैं सेवा लेता हूँ, तू आकर के उनका आलोचना करता है बदमाश, ऐसे कहते एक ने चाटा मार दिया, एक ने एक चाटा मारा तो छोटा बड़ा भी एक चाटा लगा दिया, तो वहाँ से दो चाटा मारे, पूरा उंगली के निशान आ गया, गाल फूल गया। अब जानते हैं जब गुरु जी आते हैं तो शिष्य सुबह बोलते हैं कि शायद गुरु जी आए मंगल आरती लीड करेंगे, वेट करता है मंगलाती आए नहीं, बोले चलो थक गए लेट पर सोए हैं, दर्शनार्थी में तो आएंगे, दर्शनार्थी में नहीं आए, क्लास में तो होंगे, क्लास में ही नहीं आए, ब्रेक प्रसाद में ही नहीं आ रहे, 9 बज गया अभी उठ के आने, गदाधर बड़े सोचते क्या हो गया गुरुजी के, और गुरुजी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, थोड़ा सम्रमता रहता है, 9 बज गया गुरुजी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, क्या बात, बड़े चिंतित दुखी हो गए। इस समय में उनके मित्र स्वर्ग दामोदर आए, अरे विद्यानिधि, बोले क्या होगा विद्यानिधि उठे नहीं ना, नहीं गुरुजी का क्या हुआ, कल तो आपके साथ आए थोड़ा लेट में, पता नहीं क्या हुआ उठे, आप मुझे डर लगता है, आप तो मित्र है थोड़ा दिखिए। तो जाके दरवाजा ठकरे, विद्यानिधि क्या कर रहा है, तो विद्यानिधि धीरे से कबाट खुले, बोले आ जाओ अंदर। अंदर गए कबाट बंद के, बोले क्या हो गया, वो देखता नहीं, और देखे कि उनके मुँह बिल्कुल स्वेलिंग हो चुका है, दोनों गाल फुला हुआ है। बोले ऐसा कौन किया, कल तो ठीक ठाक था, कौन मारा, और ना बैठो तो सही में बताता हूँ, इसके लिए तो मुठ के बाहर नहीं जाता हूँ शर्म के मारे,
क्या हुआ ना, कल रात को हम सोया था, आधी रात में दोनों भाई आ गए, जगा और बढ़िया। जगन्नाथ बलराम रात को घर में घुस करके मुझे डांटे और पीटे भी, एक चाटा वो मारा, एक चाटा हमारा, अरे बाप रे बाप, बोले तू बदमाश हो रही, आलोचना कर रहा है, अगर दोबारा ऐसा करेगा तुझे और अभी एक्शन लेंगे। और मुझे मार के चले गए, मैं तो नींद नहीं हो रहा, और शर्म के मारे मैं कैसे जाऊँ, मेरा शिष्य देखकर बोला क्या मुझे कौन मारा गुरुजी को, मुंह स्वेलिंग हो गया उंगली से, तो इसलिए मुझे शर्म लगता है, मैं क्या उठ के नहीं जा पा रहा, ना बच गया। ये बात सुन करके स्वयं सर्व दामोदर दंडवत प्रणाम के बोले, आप संस्कृत विद्या निधि नहीं, आप प्रेम निधि हो। बोले क्यों? बोले अरे आप अभी काली आए जगन्नाथ क्षेत्र में, जगन्नाथ जी का ऐसे विशेष कृपा आपके ऊपर है, आपके घर में घुस करके दर्शन दिए, स्पर्शन भी दिए और चिन्ह भी दे दिए मिटगा नहीं, और हम इतने दिन से यहाँ रुके हैं, हमको कोई स्वप्न नहीं, दर स्पर्श कुछ नहीं, कितने आपने महाभक्त है, कितने बड़ा। तो बोले आप शर्म क्या करते हैं, चलो सबको पता चलना चाहिए कि कितनी कृपा सिद्ध हो आपने। तो इस प्रकार गदाधर जी, तो महाप्रभु ने दक्षिण भारत में आने के बाद जब वो डिसाइड किए कि मैं वृंदावन जाऊँगा, फिर एक बार डिसाइड किया वृंदावन जाने के लिए, गदाधर पंडित पता चला महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आकर बोला कि मैं सुन रहा हूँ कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं ना, मैं कल निकल रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा। अरे आप कैसे जाओगे, आप तो क्षेत्र सन्यासी है और गोपीनाथ जी की सेवा है, आप क्षेत्र छोड़ कर कैसे जाओगे। बोले ये क्षेत्र सन्यास चूल्हा में जाने दो, आग में जाने दो, मुझे नहीं जानते, क्षेत्र सन्यास बाढ़ में जाने दो, गोपीनाथ जी की सेवा रही, गोपीनाथ की सेवा के बाद आपके चरण के पास रहकर आपके सेवा करूँ तो सकड़ो गोपीनाथ की सेवा के फल मुझे मिल जाएगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ जाऊँगा, मैं तो आपके लिए ही क्षेत्र संन्यास लिया था, आपके सेवा के लाऊंगा। महाप्रभु बोले देखो ये ठीक नहीं, धर्म त्याग करके सेवा छोड़ के इसे जाना उचित नहीं। नहीं 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 मैं तो जाऊँगा। बोले तू नहीं जाएगा, तू लोग मुझे तो लोग बोलेंगे कि समालोचना करें, बोले देखो ये उनके फॉलोअर है, इसे इसे गलत काम करें, वो करेंगे, मैं कैसे साथ में लेकर जाऊँ, मैं तो नहीं लेकर जाऊँगा, वो मुझे लोग आलोचना करेंगे। तो गदाधर गुस्सा होकर बोले क्या मुझे लेकर लूँगे नहीं साथ में, ना कैसे लूँगा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा, मेरा अलग पार्टी, मेरा अलग ग्रुप जाएगा, अलग हो गया उनसे। और 100 मीटर आगे महाप्रभु उनके पार्टी, और वो अकेले सिंगल हैंडली अपना अकेले, वो अपने अकेले पीछे पीछे जाते थे, गए महाप्रभु थे वो सुनते नहीं, अपना अलग से बातचीत नहीं किए, अभिमान में कट्टी करके उन पीछे पीछे अलग से जा रहे, पूरी से कटक तक आ गए, पैदल में जाते थे, कम से कम 4 दिन तो लगा होगा, 4-5 दिन कटक में, महानदी पार करने पहले हुआ, हम कटक में 2 दिन रुके महाप्रभु प्रताप रुद्रक, तभी गदाधर को बुलाया अपने सेवक को, बोले बुला के लाओ गदाधर को। गदाधर जी आए, मिले, बोले अब मुझे आप बुलाए ना, क्या कहना चाहते हैं। बोले आप जो जा रहे हो, मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मैं तो अलग ग्रुप में जा रहा हूँ, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपके लोग कुछ कहेंगे नहीं, मैं तो आपके साथ हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो जा रहे हो वृंदावन क्षेत्र छोड़ करके, सेवा छोड़ करके, ये किस लिए, ये इसमें आपके स्वार्थ है, आपके सुख के लिए जा रहे हो ना। गदाधर तुरंत हाथ दिया उनके मुँह में, क्या कहना चाहते हैं आपने, रुकिए क्या कहना चाहते, ना मैं ही कहना चाहता हूँ कि आपके सुख के लिए जाना चाहते हो या मेरे सुख के लिए। तो गदाधर तुरंत रो पड़े, क्या आपको पता नहीं मेरा प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक चिंता, प्रत्येक क्रिया मुद्रा सब किस लिए है, मेरे लिए, मेरे चेष्टा है, तो केवल आपके प्रति, आपके सुख के अलावा कुछ भी नहीं, बात क्या जानते नहीं, ना जानता हूँ, जानते फिर क्यों ऐसा बात कहते हैं ना, इसलिए कहता हूँ कि अगर सचमुच मेरे सुख के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो वापस जाओ।
तेरे सुख का बात अगर है तो फिर बात अलग है, अगर मेरा सुख का बात है तो नहीं जाना। धड़ास करके मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे वचन सुन करके तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े, वहाँ पर उठकर चल गए मूर्छित अवस्था में। सारों को बोले इसी सेंसलेस अवस्था में उठा कर ले जाओ, अगर उठेगा तो फिर गड़बड़ करेगा। मूर्छित अवस्था में उनको उठा करके नाव में लोड करके नदी पार करा दिया गया कटजोड़ी को, उस तरफ लाए। बाद में मूर्छित आए, उठकर फिर रोने लगे। सार्वभौम खूब समझाए, बड़े दुखी होकर रो रो कर आए। वापस आकर गोपनाथ की सेवा में रहे। दो तीन दिन तो खूब दुखी हुए, रोए, फिर मन को समझा कर सेवा बाबा किए, लेकिन महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाए। वापस आए रामकली से, वापस आए। गदार सुने कि महाप्रभु वापस आए, जाकर के फिर हो गया था साल दो साल, जाकर मिले प्रणाम के, पूछे जाकर के अपना ही तो है। बोले प्रभु वृंदावन दर्शन अच्छा हुआ। नाने बुंदा क्यों वृंदावन नहीं गए? नाने वृंदावन नहीं गए। बोले कि कैसे न कैसे वृंदावन जा सकता है गदाधर? आप जैसे भक्त अगर दुखी होंगे, आप जैसे भक्तों को दुखी करके साक्षात ईश्वर का भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं जा नहीं पाया आपको दुखी करने, दुखी हो गए अपने। आपने खुशी खुशी में मुझे विदाई नहीं दी, इसलिए वृंदावन जाता मेरा सफल नहीं हो पाया। अरे इसे क्यों कहते हैं आप तो पर स्वतंत्र ईश्वर है? ना नहीं, कुछ भी नहीं पाया। फिर सेकंड टाइम जब जाने का विचार किए, बोले आप खुशी में परमिशन दो तो मैं जाऊँ, नहीं तो मैं जाना नहीं हो पाया। गदाधर बोले ठीक ठीक जाए जाए। तो ऐसे गदाधर हैं जिनको दुखी करके साक्षात गौरांग महाप्रभु भी अपने वृंदावन यात्रा भी सफल नहीं कर पाए। तो ऐसे गदाधर जी के साथ गौरांग के इतने संपर्क है कि बहुत बहुत कई के जब पंडित र भाव मुद्रा कहन ना जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम हैल जाए। बोले पंडित का भाव मुद्रा कुछ बोला नहीं जा सकता है। गदाधर प्राणनाथ नाम हैल जाए, पंडित प्रभुर प्रसाद कहन ना जाए, गदाई र गौरांग बोली जारे लोक गाए। इसलिए लोग सब कहते हैं गदाई रे गौरांगा, गदाई रे गौरांगा। क्या उन दोनों का इतने तो अंत में महाप्रभु का तो गोपनाथ में ही गदाधर के पास हुई, सभी विग्रह में उनके अंतर्धान हुआ था। श्री भक्तिनोद ठाकुर लिखते हैं गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के बारे में। स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्ष चरंग, सुणु गौर गदाधर चारु कथाम, भज गो द्रुम कानन कुंज विधुम, भज गो द्रुम कानन कुंज विधुम। ये वैशाख अमावस्या तिथि आज के तिथि में गदाधर पंडित के आविर्भाव हुआ था, इसलिए हमारे आचार्य लिखते हैं स्मर गौर गदाधर केली कलाम। गदाधर गौरांग महाप्रभु के जो सुंदर सुंदर लीला हैं, स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्ष चरंग। गौरांग गदाधर के पक्ष में हमेशा रहो, गौर गदाई के भजन करना चाहिए। गदा जो इसलिए जो बड़े उच्च कोटि के भक्तगण और राधा कृष्ण की पूजा के अलावा गौर गदा गदाई गौरांग पूजा करते हैं, गौर गदाधर। भव गौर गदाधर पक्ष चरम, भक्तिनोद ठाकुर के जो विग्रह हैं वहाँ देखेंगे अपने नवदीप में, जो सर्वगंज में, सर्वगंज में भक्तिनोद ठाकुर के अपने भजन कुटीर में गौर गदाधर के विग्रह है। इसी बोलते हैं स्मर गौर गदाधर केली कलांग, भव गौर गदाधर पक्ष चरंग, श्रृणु गौर गदाधर चारु कथाम। श्री गौर गदाधर के चारु बड़े सुंदर सुंदर कथा को सुनते रहिए। भज गोद्र मकान न कुंज विधुम। इस प्रकार
गोद्र मकान के कुंज विधु श्री गौरांग महाप्रभु के भजन करो। तो आज श्री गदाधर जी के जन्मदिन, उनके आविर्भाव तिथि है, तो इसलिए वो साक्षात श्री राधिका श्री गदाधर पंडित, यद्यपि भाव कांति को लेकर के महाप्रभु, लेकिन बाकी सब को लेकर के उनके सेवा के लिए गदाधर, गदाधर गौरांग मिलने से कंप्लीट राधा कृष्ण होते हैं, नहीं तो कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे। तो गदाधर के बिना गौरांग महाप्रभु कंप्लीट नहीं हो पाते उनके बिना, तो इसलिए उनके लीला, उनके स्मरण, उनके आज उनके जन्मतिथि में, उनके श्री चरण में इस प्रकार के प्रार्थना के साथ हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। अब क्या प्रार्थना करेंगे उनकी कृपा से कि उनके आशीर्वाद ही कामना करेंगे, ताकि गदायर प्राण धन गौरांग की चरण में मति रहे, यही आशीर्वाद गदाधर पंडित करें आप जन्मदिन के कृपा के, जन्मदिन के अवसर पर कृपा करें, ताकि उनकी कृपा से श्री गौरांग महाप्रभु के चरण में हमेशा मन रहे, स्मृति रहे। अविस्मृति गौर चरणार विंदे भवे भवे मस्त भवत प्रसादात। श्री गदाई गौर हरि की जय, गौर गदाधर की जय।